हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फिडे वर्ल्ड यूथ ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप चल रही है, जहां पे अंडर 18 कैटेगरी में निहाल सरीन जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और फाइनल में उन्होंने जो है पहली गेम ड्रॉ की है। अब दूसरी गेम में उनके वाइट पीसेज हैं, सो देखते हैं क्या होता है। बट फाइनल में पहुँचने से पहले निहाल सरीन ने एक्चुअली सेमीफाइनल में सोनिस फ्रांसिस्को को बीट किया। उसमें दोस्तों उन्होंने जो है पहली गेम ड्रॉ की एंड सेकंड गेम में जो है वाइट पीसेस के साथ खेलते हुए लाजवाब खेला है। जस्ट उन्होंने जो है अपने दोनों नाइट का सेक्रीफाइस दे दिया। बट वहाँ पे भी दोस्तों गेम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और उनके ओपोनेंट ने जो है आगे चल के थोड़ी मिस्टेक की, जिसकी वजह से बाद में जो है निहाल सरीन विन कर गए। बट ओपोनेंट मिस्टेक तभी करता है दोस्तों जब आप जो है उस पर प्रेशर डालते हो। सो आइए देखते हैं लाजवाब गेम, जहाँ पर निहाल सरीन ने गेम की शुरुआत d4 से की एंड नाउ d5, नाइट टू f3 एंड नाउ नाइट टू f6, c4 एंड नाउ e6 एंड नाउ नाइट टू c3। सो दोस्तों ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, जहाँ पे बिशप टू b4 ब्लैक ने खेला एंड ये है रेगोजिन डिफेंस। और इस पोजीशन में बिशप टू g5 नाइट को पिन किया एंड नाउ डी टेक्स ऑन c4 एंड नाउ e4। सो e4 का आइडिया यहाँ पे क्या है कि आप जो है बढ़िया सा सेंटर बना रहे हो, राइट, जो सेंटर की वजह से जो है आप ऑलमोस्ट जो है स्पेस गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से ब्लैक के पीसीज जो है उसको निकलने में एंड स्पेशली जो है बाद में आगे आने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। जब भी आपका बड़ा सेंटर होता है, इसका मतलब ये है कि आपके माइनर पीसीज की क्वालिटी जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। इस पोजीशन में h6 ब्लैक ने खेला एंड नाउ निहाल सरीन ने अपना बिशप दे दिया। नॉर्मली वो जब बिशप देते दोस्तों तो जो है उसके पीछे काफ़ी डीप रीज़न होता है, विदाउट दैट उस लेवल पर जो है बिशप इस तरह से नहीं दिया जाता। यहाँ पर दोस्तों रीज़न साफ दिखाई दे रहा है कि बढ़िया सा सेंटर है, आपका पोन जो है आगे चल के पुश हो सकता है एंड वहाँ पे जो है जब कैसल होगा तब हमारा नाइट e4 आ सकता है, जो कि h6 खेला हुआ है उसकी वजह से क्या होगा कि कई बार जो है नाइट टू f6 सेक्रीफाइस जो है वो काफ़ी डेडली प्रूव हो सकता है और गेम में जो है हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर f6 ऑफकोर्स और अब दोस्तों बिशप टेक्स ऑन c4, सो अपना पोन रिकवर किया एंड नाउ c5 वाइट के सेंटर पर अटैक। और दोस्तों ये जो है वो ब्लैक को खेलना ही चाहिए और उसी तरह से जो है वो एक्चुअली अपनी गेम को फ्री कर सकता है। अगर सेंटर ऐसा का ऐसा ही रहा देन क्या हो सकता है कि ब्लैक के पीसेज जो है वो काफ़ी बैडली प्लेस होंगे या तो काफ़ी पैसिव प्लेस होंगे, जिस केस में वाइट जो है आराम से इनिशिएटिव गेन कर सकता है। यहाँ पे वाइट ने कैसल खेला, यानी कि निहाल सरीन ने कैसल खेल दिया एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन d4 और यहाँ पर हम चाहे तो नाइट टेक्स d4 खेल सकते हैं, पर निहाल सरीन ने पहले खेला e5, क्वीन पे अटैक किया एंड आफ्टर क्वीन टू d8 अब उन्होंने खेला दोस्तों नाइट टू e4। सो पोन रिकवर करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो जो है नाइट को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और साथ साथ ये नाइट जो है d6 एंड f6 दोनों स्क्वायर पे देख रहा है। इस पोजीशन में ब्लैक ने कैसल कर दिया एंड नाउ नाइट टेक्स ऑन d4 और दोस्तों यहाँ पे इंजन शो कर रहा है कि ब्लैक जो है क्वीन c7 खेल सकता है और यहाँ पर ब्लैक की पोजिशन जो है वो थोड़ी बेटर है, राइट। क्वीन c7 का पॉइंट ये है कि आप जो है बिशप पर अटैक कर रहे हो, साथ साथ जो है e5 पे पोन पे भी अटैक कर रहे हो। सो अगर पीस सेव करते हो देन पोन चला जा रहा है और इसी सेंटर पोन की वजह से तो जो है हमें स्पेस मिली है, जिसकी वजह से हम किंग साइड अटैक कर सकते हैं। सो इस पोजीशन में दोस्तों अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे निहाल सरीन ने क्या खेला होगा। रेडी दोस्तों, इस पोजिशन में निहाल सरीन ने अपना नाइट का सेक्रीफाइस दे दिया विथ नाइट टू f6 चेक। सो बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो है काफ़ी डीप ओपनिंग प्रिपरेशन है। यहाँ पर किंग टू h8 खेला गया, जबकि उधर जो है अगर कैप्चर होता है नाइट देन निहाल सरीन खेल सकते थे क्वीन g4 चेक। पर इस पोजीशन में दोस्तों आपको उसकी h7 जो है वो इतनी अच्छी मूव नहीं है क्योंकि उसमें बिशप टू d3 जो है वो भी विथ टेम्पो आ रहा है। सो ब्लैक के लिए बेटर मूव है कि वो किंग h8 खेले, जिस केस में अब खेला जा सकता है क्वीन टू f4 एंड आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन e5, क्वीन कैप्चर्स ऑन h6 चेक, किंग g8 और यहाँ पर जो है अब f4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। जी हाँ, हम दूसरी नाइट का भी सेक्रीफाइस दे सकते हैं, वो भी विथ चेक और उसके बाद जो है बिशप भी जा रहा है। बट दोस्तों वो पोजीशन जो है वो वाइट के लिए जस्ट विनिंग है। वो ऑफकोर्स जो है नाइट को मार सकते हैं बट बिशप को नहीं मार सकते, अदरवाइज रुक f3 एंड रुक g3 में गेम फिनिश हो जाएगी। सो कुछ ऐसा हो सकता है क्वीन कैप्चर्स d4, किंग h1 और उसके बाद जो है वो यहाँ पर खेल सकते हैं समथिंग लाइक क्वीन e4, जिसमें वो क्या करेंगे दोस्तों कि क्वीन जो है एटलीस्ट g6 पर ले जाए और क्वीन टू e4 में हम खेल सकते हैं रुक टू f3 एंड देन रुक टू g3, वहाँ पे क्वीन हमें मिल रही है। बट फिर भी दोस्तों क्वीन के बदले में जो है वो ब्लैक के पास ढेर सारा मटेरियल है और ऐसा ही कुछ जो है हमें गेम में देखने को मिला। सो आइए देखते हैं गेम, जहाँ पे नाइट f6 चेक के बाद
इस पोजीशन में ब्लैक ने जो है सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने खेला किंग एच एट एंड नाउ क्वीन टू सी टू। इमीडिएटली यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है एच सेवन पे, सो पोन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स एंड नाउ क्वीन टू सी वन, सो एच सिक्स जो पोन है उस पर अटैक है। और दोस्तों उस पोजीशन में जो है आपको किंग जी सेवन खेलना चाहिए, ऐसा जो है स्टॉकफिश का सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा कि क्वीन कैप्चर एच सिक्स जो है अभी स्टॉप हो चुका है और रुक एच एट जो है वो आ सकता है, और उसके बाद जो है ब्लैक को इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अब निहाल सरीन यहाँ से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विथ पोन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स, किंग कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स, क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स एंड आफ्टर किंग ई सेवन क्वीन टू जी फाइव चेक। और यहाँ पे इंजन जो है वो बता रहा है कि पोजीशन जो है वो इक्वल है, बट ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों शायद यहाँ पे वाइट के विनिंग होने के चांसेस काफ़ी है, क्योंकि वाइट ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक पीस दे चुका है, और उसके बावजूद भी अगर इंजन इक्वल शो कर रहा है दैट मीन्स वाइट के पास जो है काफ़ी बड़ा अटैकिंग चांस है। सो अब चलते हैं गेम में, जहाँ पे क्वीन टू सी वन के बाद खेला गया क्वीन कैप्चर्स ऑन ई फाइव। सो देखिए वही पोजीशन आ गई जो हमने अभी डिस्कस की थी, क्वीन कैप्चर्स ऑन एच सिक्स चेक, किंग जी एट और अब एफ फोर। सो विथ चेक जो है वो अपनी नाइट का सेक्रीफाइस दे रहे हैं, सो ये दोस्तों दूसरा सेक्रीफाइस है। सो क्वीन कैप्चर्स ऑन डी फोर के बाद जस्ट किंग एच वन, और यहाँ पे से आप क्वीन एक्स ऑन सी फोर खेलते हो, देन गेम में जो है कोई वापस आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे रुक एफ थ्री काफ़ी डेडली है, और अभी आपके पास जो है इवन क्वीन ई फोर एंड क्वीन जी सिक्स का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्वीन ई फोर आते ही हम यहाँ पे खेल सकते हैं रुक टू एच थ्री, और अब जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीधा साधा जो है वो चेकमेट लग रहा है एंड वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग, राइट। सो किंग टू एच वन के बाद क्वीन ई फोर खेलना फोर्स, क्योंकि अब क्या हो रहा है रुक एफ थ्री देन वो जो है इमीडिएटली क्वीन जी सिक्स खेल सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है रुक एच थ्री खेलने का टाइम ना रहे। सो किंग टू एच वन एंड नाउ क्वीन ई फोर, रुक एफ थ्री, क्वीन जी सिक्स एंड नाउ रुक टू जी थ्री, और यहाँ पर हमें क्वीन मिल गई। सो क्वीन कैप्चर्स ऑन जी थ्री, एच टेक्स ऑन जी थ्री एंड नाउ रुक टू ई एट। सो दोस्तों से आप ट्राई करते हो कि बिशप ई सेवन खेलो और पोन ऑन एफ सिक्स को सेव करो, बट वो गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे एफ फाइव काफ़ी डेडली है। एफ फाइव के काफ़ी रीज़न है, पहली बार तो ये कि हम जो है जस्ट कैप्चर कर रहे हैं ऑन ई सिक्स पे एंड आफ्टर पोन कैप्चर्स आपके पास जो है जी सिक्स पर अवेलेबल हो जाएगा चेक देने के लिए, जिस केस में क्या होगा से किंग जी वन एंड मैं किंग जो है एफ टू तक ले आऊँगा और बाद में रुक एच वन, वहाँ पर गेम फिनिश हो सकती है, राइट। सो इसीलिए एच टेक्स ऑन जी थ्री के बाद इस पोजिशन में अभी पोन देना ही पड़ेगा, उसको जो है वो सेव नहीं कर सकता। सो यहाँ पे रुक टू ई एट गेम में खेला गया एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स। और अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक के फर्स्ट ऑफ ऑल तीन पीसेस कुछ कर नहीं रहे और सेम तीन पीस है वो क्वीन के सामने है, राइट। उसकी वजह से क्या है कि अभी आपके पीसेस गेम में आएंगे तब तक जो है वाइट ने काफ़ी बड़ा अटैक एक्चुअली गेन कर लिया होगा। फॉर इंस्टेंस अगर इसी पोजीशन में मुझे मौका मिलता है लाइक किंग टू जी वन एंड किंग टू एफ टू खेलने का, देन क्या होगा सीधा उसके बाद जो है रुक एच वन में गेम ही फिनिश हो जाएगी। सो आपके पास जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अफकोर्स आप जो है नाइट डी सेवन खेल सकते हो, बट उस केस में क्वीन टू जी फाइव एंड देन इवन जो है जी फोर, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया है। सो इस पोजीशन में पहले खेला गया बिशप टू ई सेवन एंड नाउ क्वीन टू एच सिक्स, और अभी बिशप टू एफ एट क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन टू जी फाइव चेक एंड बिशप टू जी सेवन। सो यहाँ पे दोस्तों अगर ब्लैक अपने पीसेस डेवलप करने में कामयाब हो जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पे ब्लैक के पास भी जो है अच्छे चांसेस है विन करने के लिए। इस पोजीशन में निहाल सरीन ने रुक टू डी वन खेला। रुक डी वन का आइडिया है दोस्तों कि अगर हमारा रुक जो है डी एट पर आ जाता है देन ब्लैक को जो है पीसेस निकालने में काफ़ी दिक्कत आएगी। सो नाइट टू डी सेवन खेला गया, जबकि उधर जो है नाइट सी सिक्स थोड़ा बेटर था, बट यहाँ पर भी दोस्तों वाइट के पास जो है काफ़ी तगड़ा अटैक है, वो सिंपली जी फोर एंड देन एफ फाइव के लिए जा सकता है, राइट एंड एफ फाइव और उसके बाद जो है एफ सिक्स। सो ये पोजीशन जो है वाइट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई मीन विनिंग सी है। सो रुक डी वन, नाइट डी सेवन, बट नाउ बिशप टू बी फाइव, सो फिलहाल के लिए थ्रेट है डी सेवन वाली जो है नाइट उसको कैप्चर किया जाए। सो अब एफ सिक्स खेलना फोर्स, अदरवाइज जो है इस नाइट का डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रुक ई सेवन या रुक टू डी एट दोनों में जो है क्वीन वहाँ पर कैप्चर कर सकता है। सो एफ सिक्स एंड नाउ क्वीन टू जी सिक्स, जबकि उधर इंजन शो कर रहा है कि क्वीन जी फोर थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो है जब आप रुक डी सिक्स खेलोगे आप जो है ई सिक्स पर तुरंत ही अटैक करना शुरू कर दोगे, जबकि एफ सिक्स के बाद क्वीन जी सिक्स टेम्पो तो मिला बट रुक ई सेवन के बाद फिलहाल के लिए आपकी क्वीन जो है वो ई सिक्स पर अटैक नहीं कर रही है। और इस पोजीशन में दोस्तों रुक टू डी सिक्स खेला गया और कंप्यूटर ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है मिस्टेक ऑफ द गेम है, जिसकी वजह से अब ब्लैक को जो है गेम में वापस आने का चांस मिला है। इसी पोजीशन में जो है जी फोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। जी फोर का आइडिया यहाँ पे है दोस्तों से आप जो है नाइट सी फाइव के लिए जाते हो देन रुक टू डी एट,
सो आपको जो है नाइट f8 खेलना चाहिए अगर आपको पीसेस डेवलप करने हैं। बट देन दोस्तों यहाँ पे रुक टू d8 और इस पोजीशन में अब क्या होगा कि कोई भी पीस जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। नाइट फिलहाल के लिए पीन है, बिशप मूव होगा तो तुरंत ही जो है रुक चला जा रहा है। सो यहाँ पे वाइट की पोजीशन जो है वो विंसी है। बट रुक e7 एंड रुक टू d6 के बाद क्या हुआ कि f6 विथ टेम्पो मिला एंड आफ्टर बिशप टू d3 यहाँ पे अब जो है b5 जिसकी वजह से रुक a7 से जो है गेम में आ गया और वहाँ पे डिफेंस करने लगा। एंड नाउ क्वीन टू e4 e6 पे अटैक किया है, रुक पे भी अटैक है। बट नाउ रुक टू a7, नाउ रुक कैप्चर्स ऑन e6, नाइट टू c5 एंड नाउ क्वीन टू h7 चेक, किंग f8, रुक टू c6 एंड नाउ रुक a टू c7 और यहाँ पे रुक्स जो है वो एक्सचेंज हो गए। और इस पोजीशन में देखें दोस्तों कि ब्लैक के पास तीन पीस है और तीनों पीस जो है अब थोड़ा काम करने लगे हैं। अब बिशप पे अटैक है और इस पोजीशन में बिशप टू f5 और यहाँ पे दोस्तों ब्लैक के लिए मस्त था कि वो जो है इस f5 वाले बिशप को कैप्चर करे। एंड आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन f5 ये पोजीशन जो है अब तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है, ये किसी भी ओर जा सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाइट जो है कम्प्लीटली भी नहीं है क्योंकि उनके पास क्वीन ही है, क्वीन को जो है एक और पीस चाहिए तब जाके वो जो है कुछ मैटिंग नेट हम लगा सकते हैं। और सामने ब्लैक के देखिए ब्लैक पीस जो है अब निकल चुके हैं, काम भी करने लगे हैं। सो दोस्तों ब्लैक को इस पोजीशन में हराना जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। बट गेम में बिशप टू f5 के बाद खेला गया अब बिशप टू b7 है ना दोस्तों b4 और ये जो है गेम की विनिंग मूव है। इसकी वजह से अब वाइट को एक और पीस मिल गया। पहली बात तो आप बिशप को नाइट को खेलोगे कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल आप नाइट जो है d3 पे जाते हो, बिशप कैप्चर्स, नाइट d7 पे खेल सकते हो बट वहाँ पे कैसे पीस मिलेगा हम देखेंगे। नाइट a4 पे जो है काफ़ी गंदी प्लेस है। सो गेम में खेला गया नाइट टू d7 और इस पोजीशन में दोस्तों बिशप टू e6 और बाय फोर्स पीस मिल रहा है क्योंकि आप जो है क्वीन टू g8 को स्टॉप नहीं कर सकते हो। सो इसलिए दोस्तों वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी था कि वो बिशप कैप्चर f5 खेल लेते और ब्लैक को जो है काफ़ी तगड़ा डिफेंस करने का चांस मिलता। इनफैक्ट वहाँ पे तीन पीस जो है क्वीन के सामने कुछ ज़्यादा ही बेटर प्रूव हो सकते थे। बट ओके बिशप टू e6 अब और क्वीन g8 स्टॉप करना जो है नामुमकिन और बिशप मूव होता है दोस्तों, देन मेट हो रही है f7 पे। सो किंग e7 खेला गया बट नाउ पहले बिशप कैप्चर्स ऑन d7 एंड आफ्टर रुक टेक्स ऑन d7 क्वीन कैप्चर्स ऑन g7 चेक और अब गेम में कुछ रखा नहीं है दोस्तों। दो पीस के सामने जो है क्वीन है एंड प्लस 3 vs 1 पोन है किंग साइड, सो वहाँ पे जो है पास पोन जस्ट गेम डिसाइड कर लेगा। नाउ किंग टू e8 क्वीन टेक्स ऑन f6 रुक टू f7 क्वीन c3 रुक e7 एंड नाउ क्वीन d2 रुक d7 एंड नाउ क्वीन c2 रुक e7 एंड नाउ किंग जस्ट g1 किंग टू d7 एंड नाउ g4 रुक e4। सो दोनों पोन पे जो है अटैक है, दोनों में से कोई भी पोन को कैप्चर नहीं किया जा सकता अदरवाइज क्वीन टू d2 और फोर्क में जो है रुक चला जाएगा। यहाँ पे g5 खेला गया बट नाउ रुक टू c4 एंड नाउ क्वीन h7 चेक और इस पोजीशन में दोस्तों एक्चुअली ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन का पॉइंट ये है कि पोन प्रमोशन स्टॉप करना नामुमकिन है, अगर आप करते भी हो तो वहाँ पे मिनिमम एक पीस देना पड़ेगा। सो निहाल सरीन जो है कम्प्लीटली विन थे। सो दोस्तों कैसी लगी आपको निहाल सरीन की ये धमाकेदार गेम? आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।